समाज सेवक और शिवसेना के युवा नेता इरफान मंसूरी ने अपने बहन के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। तो वहीं इरफान मंसूरी की बात करें तो इरफान कई सालों से यह त्यौहार मनाते आ रहे हैं। तो आइए हम आपको सुनाते हैं इस त्यौहार को उन्होंने देशवासियों को क्या मैसेज दिया और उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसे आपने हिंदुस्तान में एक रक्षाबंधन भाई बहनों का प्यार होता है और हर बहन के लिए एक सबसे बड़ा त्यौहार होता है जो भाई से दिल से कुछ मांगती है और एक प्रेम होता है। तो हमारी भी बहन है के सामने हमें राखी के लिए यहाँ आई है बांधने के लिए और बहुत प्रेम है इनका हमारे पे और हम बहुत मानते हैं इनको। बस यही प्यार बना रहे अगले हमेशा के लिए हमारे साथ इनके। तो भाई बहन में कहीं ना कहीं रूठना मनाना झगड़ा बहुत कुछ होता है, तो आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा देखने को मिलता है? नहीं, झगड़ा में तो प्यार होता है, छोटा मोटा चलता रहता है ना, उसमें क्या है। झगड़ा होगा तो ही प्यार बढ़ता है ना, क्योंकि जब झगड़ा होएगा तो दो फोन क्या तीन फोन करने मिलता है ना, फोन नहीं उठा देता। तो प्यार रहेगा तो एक फोन भी नहीं होता है, वो जानते बाद में करेंगे फोन, तो ऐसा रहता है। और क्या कुछ आज के लिए, क्या कुछ आज के लिए? बस सभी को बधाइयां दूंगा, हिंदुस्तान में सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, सभी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। तो कहीं ना कहीं गिफ्ट का भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो क्या आज आपकी बहन के लिए क्या गिफ्ट होगा आपकी तरफ से? गिफ्ट तो क्या, प्यार ही सबसे बड़ा गिफ्ट है और मन से जो देंगे वही सबसे बड़ी गिफ्ट की है। भगवान करे सबको भाई ऐसे दे। इरफान जी आप एक मुस्लिम हैं फिर भी रक्षाबंधन मना रहे हैं, और देखो ये चीजों में ना धर्म नहीं चलता है, मोहब्बत सबसे बड़ी चीज होती है, मोहब्बत है तो वही सबसे बड़ा ये चीज़ हो। जात धर्म पे ये राजनीति करना ये गलत चीज़ है। सब त्यौहार एक ही होता है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब हिंदुस्तान के हैं और सब त्यौहार हमारे ही हैं। सबको मिल बांट के ये त्यौहार, हर त्यौहार मैं तो बोलूँगा, गणपति हो, ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, सब त्यौहार सबको मिल बांट के एक दूसरे की खुशियाँ बांटनी चाहिए। जैसे हाल में एक देखने को मिला कि कांग्रेस के एक नेता हैं जो गेरुआ वस्त्र पहन के वो लोगों के साथ ये जो सावन का चल रहा है वो उसमें जा रही थी और ओम नमः शिवाय का बोले, जिसके ऊपर उनके ऊपर बहुत विवाद भी उठ रहे हैं, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो वो तो अभी उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि हिंदुस्तान में जो प्यार और जो भाईचारा है वो कहीं नहीं है। हमारे देश के अंदर जितना भाईचारा है, हर जाति धर्म के लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत है, एक साथ खाते हैं, बैठते उठते हैं, तो जो लोग ऐसी गलत बातें करते हैं मैं तो उनके खिलाफ। तो क्या मतलब हिंदू और मुस्लिम के कहीं ना कहीं कलर बटे हुए ऐसा लगता है आपको? नहीं, ये चीज़ पे गलत राजनीति होती है, सब एक ही हैं, हम सब यही मट्टी के, हिंदुस्तान की मट्टी में पैदा हुए और यही मट्टी में मरना है हमें, और सब यही हमारा देश ही है सब हमारे लिए, तो हम तो हमारे लिए तो सब एक कुछ ही है। हम तो कभी नहीं सोचते कि वो चीज़ हमारे सब भाई है, और मेरे तो ज़्यादा मोस्टली सब दोस्त लोग भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब मिक्स है, लेकिन सबके साथ हर त्यौहार हम तो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। हमारा दिल अच्छा है तो, और हमारी पार्टी में भी, मैं एक शिवसेना की पोस्टिंग पे हूँ और हमारी पार्टी में भी एक यही है कि मतलब आदित्य साहब ने, हमारे उद्धव साहब जी है, बस उनका भी यही लक्ष्य कि मिल बांट के एक भाईचारा बना रहे लोगों में, और मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि मेरी पार्टी के अंदर इतना भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज मैं इतने साल से शिवसेना के अंदर हूँ, मुझे बहुत प्यार मिला है पार्टी के अंदर, बहुत अच्छा लगा है, मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं एक मुस्लिम हूँ और शिवसेना के अंदर मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। लोग गलत मैसेज देते हैं लेकिन मेरी तरफ से तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा, और मुझे बहुत खुशी होती है शिवसेना में काम करके, और मैं हमेशा जब तक मैं जूंगा एक शिवसेना के तौर पर काम करता रहूँगा। हम आपका नाम जानना चाहेंगे, और रक्षाबंधन है तो आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बहन के लिए बहुत ही स्पेशल डे होता है ये। मेरा नाम है किसी और मैं इरफान की बहन हूँ। क्या क्या कहना चाहेंगे इरफान जी के लिए आज आपके? बस भाई ऐसा सब लोग को भाई दे, ऐसा सब लोग के साथ रहे, हंसी में, हंसी के खुशी के पल में खड़े रहते भाई, और सब में दुख में भी आते हैं, ऐसा भाई सबको दे, मेरी यही राय है। तो आज इरफान जी के साथ साथ आपके पूरे भाई की एक गैंग नजर आ रही है यहाँ पे मौजूद है, कितनी खुशी हो रही है कि एक नहीं बल्कि इतने सारे भाई आपके आगे पीछे खड़े हैं। ऐसे तो भगवान सबको दे, जिसको भाई ने सबको भाई दे और सबको खुशियाँ दे। आज इरफान करके भाई मैं मानती हूँ, दिल से जान से बढ़कर है मेरे से, पर वो सबके लिए खड़े होते हैं, सब उन पर जान डालते हैं, हम भी जान डालते हैं।